यहाँ देखिए मोबीक्विक मैंने जैसे ओपन किया, यहाँ देखिए बैलेंस जीरो दिखा रहा है। मेरा जो बैलेंस था 6000 जिप लिमिट, मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, फिर भी है बैलेंस जो है जीरो दिखा रहा है। अभी सभी लोगों का कंप्लेंट भी आ रहा था, क्योंकि भाई हम लोग पेमेंट भी कर चुके हैं फिर भी वहाँ बैलेंस शो नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ जीरो दिखा रहा है, यहाँ लिखा है ट्रांजिशन बाय जीप एरर ड्यू टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है इश्यू की वजह से, वहाँ जीरो दिखा रहा है। ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें? बहुत कमेंट आ रहा है कि हम लोग को पैसे थोड़ा इमरजेंसी उठाना है, स्कैन भी करते हैं ऑप्शन नहीं आ रहा है, जीरो दिखा रहा है। पैसा ऑलरेडी है इसके अंदर, फिर भी वहाँ बैलेंस जीरो दिखा रहा है। तो पैसे आपको कैसे लेना है और वहाँ पर अमाउंट भी कैसे दिखाएगा? देखिए मेरा जीप पेमेंट भी कर चुका हूँ, लोन पेमेंट भी कर चुका हूँ, सारा पेमेंट देखें यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है, पेमेंट भी हो चुका है। देखिए जीप में आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पेमेंट भी दिखाता है। ठीक है, हमें चलते हैं मोबीक्विक को अपडेट कर देते हैं। बहुत सारे लोग अपडेट नहीं करते हैं तो इसके प्रॉब्लम हो सकता है, नया वर्जन जब आएगा तो कुछ सपोर्ट नहीं करेगा, तो इसको मोबीक्विक को अपडेट कर देते हैं। आपको प्ले स्टोर में जाना है, मोबीक्विक को जो भी इसका पुराना वर्जन होगा उसको नया अपडेट कर देना है। ठीक है, अपडेट करके फिर से मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने का देखिए मोबीक्विक फिर से मेरा जो भी लिमिट था जीरो दिखा रहा है। ठीक है, ये कुछ टेक्निकल इश्यू है। आप जितना कस्टमर से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बात करना चाहते हो, मैसेज कीजिए, जो कुछ भी करना का चाहते हो, लेकिन ये टेक्निकल इशू है। आपको 1 या 2 दिन के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व होकर ऑटोमेटिक है जीप का बैलेंस ऑटोमेटिक दिखाएगी। देखिए मैं जो जितना मैंने ट्राई कर लिया, कस्टमर से मैसेज भी किया, मेल भी किया और अपडेट भी कर चुका हूँ, मेरा जो है जीप का बैलेंस वहाँ शो नहीं हो रहा था, जीरो ही दिखा रहा था। ऑलरेडी मेरा जो भी पेमेंट था मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। ठीक है, इस तरह से आपको 1-2 दिन तो ऐसा ही रहेगा, जब आपकी अच्छी बात है तो टेक्निकल इशू कवर हो जाता है तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैसेज भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, मोबीक्विक की तरफ से आपको कुछ भी मैसेज नहीं मिला है, फिर भी आपका टेक्निकल इशू है। तो अभी क्या करते हैं, अब जितना ट्राई करो मोबीक्विक से जीप का बैलेंस नहीं कर सकते, रिचार्ज भी नहीं कर सकते, कुछ भी खर्च नहीं कर पाओगे, इस तरह से आपको होगा। देखिए मैं दूसरे दिन जब ओपन किया तो इस तरह से दिखा मेरा जो बैलेंस ऑटोमेटिक ऐड हो चुका है। ठीक है, उससे मैं 300 कुछ खर्च किया हूँ, बाकी सब अमाउंट इधर शो होने लगा है। ठीक है, अपने आप 1-2 दिन के अंदर फिर से बैलेंस जो है और ऐड हो जाती है, ऑटोमेटिकली जीप का बैलेंस इधर ऐड हो चुके हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।